हेलो दोस्तों, मैं योगी स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल अच्छे से देखा होगा कि आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव क्या है, एक बार फिर मैं आप सभी को बता देता हूँ। आज की वीडियो में हम ढोलक पे बजाना सीखेंगे दादा ताल का प्रकार। आज से पहले इस प्रकार को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप सभी के लिए दादरा के इस प्रकार को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। आई होप दोस्तों आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे अगली रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि आप सभी को किस बेस पे वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली आप सभी को आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो लाऊंगा, ठीक है। सो दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, दादा ताल का प्रकार। दादा ताल की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि दादा ताल को जो किस तरह से प्ले किया जाता है, किस तरह से आप सभी दादा ताल सीख सकते हैं, ठीक है। और थपकी पैटर्न की वीडियो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी दादा ताल की थपकी पैटर्न को भी सीख लें, धमाकेदार थपकी पैटर्न है, ठीक है। अगर आपको थपकी पैटर्न बजाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करना और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपने देखना है। अगर आप सभी शांति से, तन मन धन से और दिल से वीडियो देखेंगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ आप सभी जो जल्द से जल्द ढोलक बजाना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो थोड़ी सी देखी और वीडियो देखने के बाद जो है आप स्किप करें या फिर कंटिन्यू फॉरवर्ड करते रहेंगे। उस तरह से आपको जो है ना ढोलक अच्छे से आप सीख पाएंगे, ना आप सभी को बोलों के बारे में नॉलेज होगा कि किस तरह से जो है बोल है और किस तरह से उसकी ट्यूनिंग है, ठीक है। तो आपने जो है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं प्रॉपरली, आप जो है आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो देखें, जहाँ तक मेरी वीडियो बनती है, उससे क्या होगा आप सभी को समझ भी अच्छे से आएगा और एक अच्छे उस्ताद, जो ढोलक का जो एक उस्ताद होता है, वो आप अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। स्टार्टिंग में मैं आप सभी को दादा ताल का एक उठान बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है स्टार्टिंग में जो इसे उठा सकते हैं, ठीक है जी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने इसमें बहुत ही सुंदर उठान इसमें लगाई है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, ता तेरे किट ता तेरे किट ता तेरे किट ता 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 तेरे किट ता तेरे किट ता तेरे किट ता ता ता, कुछ इस तरह से है स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। सबसे पहले ढोलक के मदीन साइड आप देखें, ता जो हमारा स्टार्टिंग का ता है, ता में आपने ढोलक के बेस में जो स्लैप देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। ता तेरे की ता तेरे की ता तेरे की ता ता ता, आपने 3 बार बजाना है ता तेरे की ता तेरे की ता तेरे की, कुछ इस तरह से ता तेरे की ता तेरे की ता तेरे की, ठीक है। आ ती र ती त, आ ती र ती त, आ ती र ती त, इस तरह से एक बार आप फिर देखें। ता तेरे की टिता तेरे की टिता तेरे की टिता, ठीक है। ता तेरे की टिता तेरे की टिता तेरे की टि, ता तेरे की टिता तेरे की टिता तेरे की। दोस्तों, जब आप तिरकिट बजाते समय हमारे दोनों हाथ का जो बैलेंस जो इक्वल रहना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपका ता ती र ती ता, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसका जो बैलेंस इक्वल रहना चाहिए। ता तेरे किट ता तेरे किट ता तेरे किट, ठीक है। ता की आवाज भी बिल्कुल लाउड और सुंदर आनी चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक
ठीक है, ता तेरे किट, ता तेरे किट, ता तेरे किट। उसके बाद है ता ता ता, तीन बार आपने बजाना है ता 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 ता। ढोलक के बेस में आपने जो है स्लैप देना है ताकि जो है खाली ना लगे, ठीक है। इसको भरावट देने के लिए है, जो ढोलक के बेस साइड में हमारा कॉल लगता है ये भरावट के लिए है, ठीक है। ता ता ता, ता ता ता। एक बार फिर देखिए आप स्टार्टिंग से, ता तेरे किट, ता तेरे किट, ता तेरे किट, ता ता ता, ता तेरे किट, ता तेरे किट, ता तेरे किट, ता ता ता। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को दादा ताल के प्रकार बताऊंगा किस तरह से आप जो दादा ताल के प्रकार को सीख सकते हैं। इसके बोल है धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता। बिल्कुल आराम से बताता हूँ, धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता, ठीक है। इसको आपने ढोलक पे कुछ इस तरह से बजाना है, दोस्तों जो हमारा दादरा का प्रकार है, इस प्रकार को आपने छल्ला की मदद से बजाना है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो हमारा धी होगा, स्टार्टिंग के धी में स्लाइट सेकंड धी में पीछे की ओर हिट करना है, और उसके बाद जो लास्ट धी है, लास्ट धी में भी आपने जो है स्लाइड देना है। सबसे पहले आप ढोलक के मदीद साइड देखें कि किस तरह से आपने जो छल्ले को यूज करना है, कुछ इस तरह से है। साइकिल हमारी यही चलती रहेगी, धी धाता ती धाता, 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 धी धाता, ठीक है, धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता। और इसमें आपने बजाना है, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं धी धाता, स्टार्टिंग के धी में स्लाइड देना है, सेकंड धी में पीछे की ओर हिट करना है, और लास्ट का धी होगा, लास्ट के धी में आपने जो आगे की ओर स्लाइड करना है। धी दा, दा, जो ती होगा हमारा उसमें जो हल्का सा आपने जो इंडेक्स फिंगर से टच करना है ढोलक को, हल्का सा इस तरह से ती धा ता, धी धा ता, ती धा ता, धी धा ता, ती धा ता, धी धा ता, ती धा ता, इस तरह से बजाना है। धी धाता ती धाता, 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 धी धाता ती धाता। बिल्कुल आराम से इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, धी धाता ती धाता, धी धाता धी धा ता ती धा, धी धा ता ती धा ता, धी धा ता ती धा ता। अब आप सभी ढोलक के बेस साइड पे देख सकते हैं किस तरह से आपने बजाना है, इस तरह से आपने देखना है, धी धा ता ती धा ता, धी धा ता ती धा ता, धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता, ठीक है। धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता, धी धाता ती धाता, इस तरह से हमारे ढोलक के बेस में आएगा। तो एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिस तरह से आप दादरा ताल के सिक्स बीट को ढोलक के बेस साइड में बजाते हैं, उसी तरह से जो है दादरा का जो ये प्रकार है, इस प्रकार में भी बिल्कुल सेम टू सेम बेस आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे कि मैं आप सभी को बता देता हूँ दादरा ताल को, सिंपल दादरा ताल को, धा धी ना ता धी ना, 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 ठीक है। उसी तरह से आप जो इस प्रकार में देख सकते हैं, धी धाता ती धाता, धी धाता
सेम जो इसी तरह से आएगा। एक बार फिर मैं आप सभी को स्टार्टिंग से इस पैटर्न को बता देता हूँ किस तरह से आपने बजाना है। इनिशियली दोस्तों जब आप स्टार्टिंग में इस पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आराम से बजाना है। धी धा धा ती धा धा धी धा धा ती धा धा धी धा धा ती धी धा धा ती धा धा धी धा धा ती धा धा धी धा धा ती धा धा धी धा धा ती धी धा धा ती धा धा धी धा धा ती धा धा धी धा धा ती धा धा। दोस्तों एक दो दिन के बाद जब आपके हाथों में ये वाला पैटर्न जो अच्छे से आ जाता है तो आप थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। धी धा धा ती धा धा 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 धी धा। दोस्तों जब आपके हाथों में जो है ये पैटर्न अच्छे से आ जाए तो आप सभी से मीडियम स्पीड दादरा में जो है आसानी से लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। आज की वीडियो थी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके मुझे दोस्तों बताना कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो जो किस बेस पे चाहिए। मैं आप सभी को डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है YouTube चैनल पे वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आप सभी को फ्यूचर में वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।